आज मैं आपको एक्सेल की दो चीज़ें बताने वाला हूँ। एक डेटा एंट्री की कैसे जाती है, ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगी जो डेटा एंट्री की जॉब करना चाह रहे हैं या अभी कर रहे हैं, और दूसरा सम इफ़ का फॉर्मूला यूज़ किस तरह होता है। एक्सेल ओपन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मैनेजर आपको कहता है कि आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है, आपको डेटा एंटर करना है, और आप भी इस तरह डेटा एंटर कर रहे हैं, तो आप जॉब से हाथ धो बैठेंगे। इसका बेहतरीन तरीका बहुत आसान है। आल्ट, अगर आपके यहाँ पे इस साइड पे होम के बाद फॉर्म नहीं नज़र आ रहा तो आपने परेशान नहीं होना, आपने आल्ट डी एंड देन ओ प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा, इसको आपने ओपन करना है, और ये हमारे पास तीन ऑप्शंस आ गए हैं, नेम के, आईडी के, प्रोडक्ट के। इसमें हम लिख लेते हैं अली, लिख लेते हैं, इसका कोई भी आईडी दे देते हैं, प्रोडक्ट, इसको हम एंटर करेंगे तो नेक्स्ट की ऑप्शन दे देगा। ऐसे हम इसको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, और हमारी जॉब भी सिक्योर रहेगी। दूसरी चीज़ मैंने आपको कहा था कि हम सम इफ़ का फॉर्मूला देखेंगे कि किस तरह इम्प्लीमेंट होता है। उसके लिए मैंने डेटा पहले से तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका मैनेजर या कोलीग कोई भी आपको कहता है कि भाई ये हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, ये मुझे असद का, उमेर का, हमज़ा का, शुएब का या किसी का भी ऑर्डर आईडी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बहुत ही इजीली हो जाएगा। इक्वल टू का साइन, ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सम इफ़, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले रेंज बताते हैं कि अगर मेरे पास ये देखो 5-6 हैं, ठीक है, तो मैंने ये 5-6 को सेलेक्ट किया, रेंज बता दी कि अगर मेरे पास ज़्यादा नाम होते नाम उसके साथ उसके हिसाब से मैं कर लेता, ठीक है। उसके बाद मैंने कोमा लगाया। क्राइटेरिया, जिस बॉक्स में मुझे नाम लिखना है और मुझे उसका रिज़ल्ट है वो मैंने सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने ये जगह छोड़ी हुई है नेम की, नेम के नीचे ये वाला जो है हमने सेल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर से कॉमा लगाया, और रेंज क्या है, ऑर्डर आईडी हमने फाइंड करने हैं, तो जितने भी ऑर्डर आईडी हैं ये सारे हम सेलेक्ट करके इसको एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब ये ज़ीरो शो हो रहा है क्योंकि मैंने अभी किसी का भी फाइंड करने का नहीं कहा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे फाइंड करना है हमज़ा का, मैं इधर लिखता हूँ हमज़ा, एंटर मारता हूँ, और ये देखें हमज़ा का ऑर्डर आईडी मेरे साथ आ गया, सामने आ गया मेरे, ठीक है। इस तरह आप भी बहुत आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं।